गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है, इन द पोयम इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स इन द लाइन सम नीड ए स्पेशल ट्यूब टू ब्रीथ। हियर स्पेशल ट्यूब मीन्स, यहाँ पे स्पेशल ट्यूब का क्या मतलब होता है उसको आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से कोई एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। पहला दिया है दे है प्रॉब्लम टू ब्रीथ, बी में दिया है दे आर एक्सटर्नरी, सी में दिया है दे आर प्लेइंग, डी में दिया है दे आर बॉदरिंग। अगर आप पोएम अच्छे से पढ़े होंगे आप इसका आंसर आपको मालूम होगा। आप लोग थोड़ा सोचिए। इसका आंसर है आपका ए, दे है प्रॉब्लम टू ब्रीथ। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बेंगेंस ऑफ मिस द टेस्ट। जो बेंगेंस ऑफ लड़का है वो एक टेस्ट को मिस कर लेता है, मिस कर देता है, वो कौन सा विषय का टेस्ट है उसको आपको बताना है। ए में दिया है इंग्लिश, बी में दिया है मैथ्स, सी में दिया है साइंस, डी में दिया है पीई फिजिकल एजुकेशन। आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए। दूसरा आएगा आपका बी मैथ्स। सी में, तीसरा में दिया है इन द पोएम अबाउट मी द पोएट वांट्स टू बी ट्रीटेड लाइक ए एन। जो पोएम है अबाउट मी, उसमें जो पोएट है वो वांट्स यानी कैसे क्या चाहता है, टू बी ट्रीटेड यानी किसकी तरह व्यवहार करना चाहता है, कैसे लोग उनके साथ ट्रीट करें, व्यवहार करें। इसमें आपका पहला दिया है एनिमल, दूसरा में दिया है ह्यूमन, सी में दिया है बर्ड, डी में दिया है एंजल। तो किस टाइप के लोग उनके प्रति क्या है, उनको व्यवहार करें, ट्रीट करें उनको। तीन में आएगा आपका बी ह्यूमन। चौथा क्वेश्चन देखिए, द ऑथर ऑफ द पोएम अबाउट मी, जो पोएम है अबाउट मी उनके ऑथर का नाम क्या है आपको बताना है। ए है गैरेथ ओवेन, बी है रामेंद्र कुमार, सी है रेंडी बेसेट, डी है एनोमास। इसमें क्या आ सकता है, ए बी सी डी, कोई एक सही है इसमें क्या आपको टिक लगाना है यानी लिखना है उसको। चार का आपका है बी रामेंद्र कुमार। पाँचवा देखिए, इन द पोएम सुम्बस एडवेंचर क्रिमसन स्काई मीन्स, सुम्बा नाम का जो पोएम है सुम्बस एडवेंचर उसमें क्रिमसन शब्द का उल्लेख है, क्रिमसन स्काई उसका क्या मतलब होता है। ए में दिया है डीप रेड स्काई, बी में दिया है ब्लू स्काई, सी में दिया है क्लियर स्काई, डी में दिया है ब्लैक स्काई। इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए। पाँचवा में आएगा आपका ए डीप रेड स्काई। इसका देखते हैं छठवां क्वेश्चन, व्हाट प्लेस डज सुम्बा इमेजिन, कौन सा प्लेस है जिसको सुम्बा इमेजिन करता है। सुम्बस एडवेंचर आप लोग पढ़े हैं, उसमें सुम्बा क्या इमेजिन करता है, कौन से जगह को, किस चीज़ को इमेजिन करता है, कल्पना करता है। ए में दिया है नॉर्मल, बी में दिया है एडवेंचरस, सी में दिया है लोनलीनेस, डी में दिया है क्राउड। कौन सा सिचुएशन को वो इमेजिन करता है अपने ड्रीम में, वो ड्रीम देखते हैं ना। आपका छोटा में आएगा बी एडवेंचरस, रोमांच वाला वो सपना दिखता है। सातों में दिया है इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स द बैड गाइस, जो पोएम है इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स उसमें जो बैड गाइस है, जो बुरे लड़के हैं, वो किस टाइप के परेशान करते हैं जो छोटे बच्चे उनको। इसमें दिया है बॉदर्ड, बी में दिया है हेल्प्ड, हेल्प्ड देम, सी में दिया है प्लेड विद देम, डी में दिया है लाफ्ड एट देम। तो क्या करते हैं वो लोग, सबसे पहले वो लोग बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं, बॉदर मतलब परेशान करना। आठों में दिया है इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स व्हाट डज द पोएट मीन बाय स्किन डीप, ये जो पोएम है इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स इसमें जो पोएट है उनका क्या मतलब है स्किन डीप से। ए में दिया है स्किन विथ ए डीप कलर, बी में दिया है वेरी थिन, सी में दिया है डीपली, डी में दिया है नॉट वेरी डीप। आपको पता है इसमें ए बी सी डी कौन सा आएगा। आठों में आएगा आपका नॉट वेरी डीप। नौवा क्वेश्चन देखिए, सुम्बा वुड ग्रीट हिस स्ट्रेंजर विथ है, सुम्बा जो है ग्रीट यानी खुश करता है, अभिवादन करता है अपने स्ट्रेंजर को विथ है, कैसे वो स्ट्रेंजर को ग्रीट करते हैं, खुश करता है बताइए। इसमें सिंपल सा आंसर है
स्माइल करके। दसवां में दिया है बेंकिनसॉप वॉज अब्सेंट बिकॉज ही वेंट टू, बेंकिनसॉप जो लड़का है वो अब्सेंट रहता है, क्यों अब्सेंट रहता है, क्यों अब्सेंट रहता है वो। तो पहला में दिया है ए में एजिस्ट, बी में दिया है पाल्मिस्ट, सी में दिया है केमिस्ट, डी में दिया है डेंटिस्ट। वो क्यों अब्सेंट रहता है आपको कारण बताना है, यानी कि वो कहाँ गया था, किसके पास गया था। आप लोग लेसन को पढ़े हो ध्यान से तो समझ गए आप लोग इसका आंसर क्या आएगा। दस में आएगा आपका डी। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड ल्यूसियस फॉरेस्ट इन द पोएम सुम्बस एडवेंचर, जो सुम्बस एडवेंचर है उसमें ल्यूसियस फॉरेस्ट नाम के जगह को बताया गया है। ल्यूसियस फॉरेस्ट वर्ड बार बार आता है, वो क्या चीज़ है। पहला दिया है फॉरेस्ट फुल ऑफ फ्लावर्स, बी में दिया है फॉरेस्ट फुल ऑफ रिच एंड टेस्टी फ्रूट्स, सी में दिया है फॉरेस्ट फुल ऑफ एनिमल्स, डी में दिया है फॉरेस्ट फुल ऑफ बर्ड्स। तो आपको इसमें बताना है ल्यूसियस फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है। यहाँ पे ल्यूसियस फॉरेस्ट मतलब होगा बी, फॉरेस्ट फुल ऑफ रिच एंड टेस्टी फ्रूट्स, ऐसे जंगल जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है रिच क्वान्टिटी में टेस्टी फ्रूट्स वहाँ पे अवेलेबल हो, उस जगह को, उस जंगल को ल्यूसियस फॉरेस्ट कहा जाता है। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अभी जो पेपर होगा मार्च में दसवीं इंग्लिश के, उसमें ये सब क्वेश्चन आ सकता है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे भी और इसी प्रकार के टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, चाहे ग्रामर हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे पैसेज हो, या आपका एसे हो, या पैराग्राफ राइटिंग हो। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ तो बाकी बच्चों को यह लाभ मिलेगा। ठीक है बच्चों।